हेलो एवरीवन, आज हम डेली किचन में गाजर का हलवा बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने गाजर को ले लिया है, अब इसको हम छील लेंगे। सारे गाजरों को इस तरह से हमें छील लेना है। उसके बाद इसको साफ पानी से धुल लेंगे। जब सारे गाजर को हम धुल लेंगे उसके बाद एक प्लेट ले लेना है। अब इसको हमें ग्रेट कर लेना है। ये देखिए, इसको जब भी आप ग्रेट किए पतले हिस्से से कीजिए, मोटे वाले से नहीं, जिससे हमारे गाजर के हलवे का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। बस इस तरह से सारे गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम एक पैन ले लेंगे। अब इसमें डाल देना है घी। घी की क्वांटिटी ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा डालना है। अब इसमें हम सारे गाजर को डाल देंगे। अब डाल के इसको हमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी आप देखेंगे ना गाजर में से पानी निकलेगा, उसी की वजह से ये थोड़ा सा पक भी जाता है। बस इसको 10 मिनट के लिए इस तरह से हम छोड़ देंगे। अब ये दूध को आप देख रहे हैं, ये ठंडा है, इसमें एक मोटी सी मलाई पड़ चुकी है। बस इसी तरह से इसको हम गैस पे रख देंगे, और ये जब मलाई इसमें से पिघल जाएगा तो ये देखिए दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। बस इसी तरह से इसको हमें थोड़ा सा पका लेना है, जिससे गाजर का हलवा हम जल्दी बना लेंगे। और इस एक तरफ हमने रख दिया है गाजर, अब इसको भी इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें डाल देना है दूध, और दूध को इस तरह से हमें मिक्स करना है। ये देख सकते हैं, अगर दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा तो हलवा बनने में आसानी हो जाती है। बस इसी तरह से इसको हमें पका लेना है। हलवा बनने में तकरीबन हमें 40 से 50 मिनट लगता है। बस इसी तरह से इसको मिलाते रहना है बीच बीच में। अब ठंड का टाइम है तो हलवा तो बनाना ही है। बस इसी तरह से इसको हमें बनाना है, खाने में भी ये टेस्टी लगता है। ये 3 से 4 दिन आराम से हम इसको रख सकते हैं। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे चीनी। चीनी हमें पहले नहीं डालना है, जब ऑलमोस्ट हमारा हलवा बन जाए तब इसमें हमें चीनी डाल देना है। अब इसको 15 मिनट के लिए इस तरह से धीमी आंच पे पका लेना है। ये आप देखेंगे चीनी डालने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस इसी तरह से इसको हमें पानी को सुखा लेना है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है हलवा। अब इसमें हम डाल देंगे छोटी इलायची पीसी हुई, किशमिश और बादाम। ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, और नहीं भी डालना फिर भी ये हलवा हमारा बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो जाता है। बस अब इसी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। 5 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है इसे धीमी आंच पे। और जो ये देखिए, जो पीछे आगे उसमें लगा हुआ है कढ़ाई में, अब इसको हमें थोड़ा सा स्पून की हेल्प से इसको निकाल देना है। हलवा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए, हलवा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।